मुझे लहरों में कुछ अलग ही बात लग रही है। शहर में कहीं भी छुप जाओ, दो दिन में ढूंढ निकालूंगा। मैं कहां साहबजादे इस वक्त? मार चरला। ये जिला कलेक्टर का? इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। यहाँ राजन को हराने वाला सिर्फ राजन ही हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साउथ की एक और जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है MCK। यह साउथ की हिट फिल्मों में से एक बहुत अहम और बहुत जबरदस्त एक्शन के साथ साथ एक पावरफुल कहानी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को नितिन देखने को मिलेंगे। साथ ही फिल्म में हिरन के रोल में आप लोगों को कृति शेट्टी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, फिल्मों का एक और जाना माना नाम यानी कैथरीन भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ ज़बरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। और फिल्म में ज़बरदस्त कॉमेडी के लिए विनल किशोर इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिल्म की अगर कहानी की दोस्तों बात की जाए, तो फिल्म में निखिल IPS के एग्ज़ाम में टॉप करते हैं और कलेक्टर की जॉब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ साउथ के एक गांव में राजन का राज होता है और इसने वहां पर आने वाले तमाम करैक्टर को मारकर अपना वहां राज कायम किया होता है। और जो कोई वहां उसके खिलाफ होता है वो उसे मार देता है। और वहां पिछले 20 सालों से वो MLA बन रहा होता है और वहां उसको भी उसका मुकाबला कर नहीं कर सका होता और ना ही उसके कोई खिलाफ खड़ा होता है। इसके खिलाफ पहले बहुत साल कबल कोई इसके खिलाफ खड़ा हुआ था तो राजन ने उसे बेरहमी से मार दिया था। और फिल्म में जिसे राजन मार देता है वो कृति शेट्टी का चाचू होता है और इसके बाद वो कृति शेट्टी के भाई को भी मार देता है। फिर इसके मुकाबले में वहाँ कोई खड़ा नहीं होता और कृति अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए और लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। और इस फिल्म का एंड क्या होगा, इसे देखने के लिए आपको फिल्म को ज़रूर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर इस ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म के डायरेक्शन की बात कर ली जाए, तो इस फिल्म को इंडिया के जाने माने डायरेक्टर SR शंकर ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म को प्रोड्यूस निकिलेतो रेड्डी एंड शंकर रेड्डी, उनकी तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। और इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा हाई रखा गया था, यानी बहुत बड़े बजट से इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म का बजट 200 लगभग 30 करोड़ रखा गया था। और इस फिल्म की अगर स्क्रिप्ट की बात कर ली जाए, यानी इस फिल्म की अगर राइटर की बात की जाए कि किसने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखा है, तो इसे MS राजशंकर रेड्डी ने लिखा है। और इस फिल्म का म्यूज़िक माथी सवेरा शागर की तरफ से है, उनकी तरफ से इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया गया था। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।